बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे एक सिंगर का अपकमिंग वीडियो अपकमिंग सॉन्ग का टीजर किया है पोस्ट, जिसे देखने के बाद फैंस खुश तो हैं लेकिन इससे ज़्यादा फैंस कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। आखिर कौन सा वो पोस्ट है और कौन सी वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर किया है और जिसे शेयर करने के बाद ये पोस्ट और ये आप कह सकते हो ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आइए नज़र डालते हैं इस पूरे रिपोर्ट पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दो, बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रही अफसाना खान ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे एक वीडियो किया है शेयर। उस वीडियो में, इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा, एक पोस्ट शेयर किया है, पोस्ट में कुछ और नहीं, एक वीडियो है जो कि 32 to 34 seconds के बीच का है। और ये जो उन्होंने शेयर किया, वो एक ऐसे सिंगर के बारे में, एक ऐसे सिंगर का न्यू सॉन्ग के बारे में उन्होंने पोस्ट किया, जिसे देखने के बाद इनके फैंस तो खुश हैं ही लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी दुखी और काफ़ी इमोशनल भी हैं। शायद हर फैंस के लिए, और इनफैक्ट जिस सिंगर की बात मैं अभी करने जा रही हूँ, उस सिंगर के सारे फैंस के लिए बहुत खुशी की बात होगा, बहुत दुख भरी बात भी होगा। आखिर कौन सी बात है जिस वजह से मैं आपको इतने क्रिएटिविटी लगा कर, इनफैक्ट क्यूरियोसिटी बना के मैं आपको ये चीज़ के बारे में बता रही हूँ, आपको अभी रिवील करती हूँ। जी हाँ, अफसाना खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे सिद्धू मूसेवाला का एक न्यू सॉन्ग जो आने वाला, जिनका जो आउट होने वाला था मेरा नाम, वो अभी उसका एक टीजर आप कह सकते, प्रोमो दो लाइन का जो सॉन्ग है वो उन्होंने रिवील किया है, जो कि मैं आपको बता दूं सिद्धू मूसेवाला ने बहुत टाइम पहले गाया हुआ था बट उनका रिलीज उन्होंने किया नहीं था। और इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्दी ही ये सॉन्ग आउट होगा और जैसे आउट होगा मैं आप सबको इस बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सॉन्ग आउट होने के वक्त वो खुद ही इस दुनिया में और हम सबके बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, कुछ महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। और ये मृत्यु कोई साधारण या फिर आप कह सकते हो नेचुरल डेथ नहीं था, उन्हें मारा गया था, उनका मर्डर हुआ था। और इस दौरान ही उनका ये सॉन्ग शूट हो चुका था लेकिन रिलीज होना बाकी था। तो शायद उनके फैंस ने और उनके खास लोग जो इस सॉन्ग से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये टाइम बहुत खास चुना है ये सॉन्ग को रिलीज़ करने के लिए। तो उनके डेथ के कुछ महीने बाद ये सॉन्ग रिलीज़ किया जा रहा है, जिसका प्रोमो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उनके इस प्रोमो को अफसाना खान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है, जिसे देखने के बाद अगर आप उनके कमेंट सेक्शन जाके देखोगे तो हर जगह उनके कमेंट सेक्शन में सिद्धू मूसेवाले के जितने भी फैंस हैं काफ़ी भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट उनके ये सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार करें कि कब वो रिलीज हो और उस ये सॉन्ग का वो मज़ा ले पाए। आपको बता दूँ सिद्धू मूसेवाला जो थे, जो खास सिंगर हैं, वो पंजाब के इंडस्ट्री में ऑलरेडी अपना बहुत नाम कमा चुके हैं। इनफैक्ट उनको बॉलीवुड के भी बहुत लोग पसंद करते थे, उनके सॉन्ग्स काफ़ी ट्रेंडिंग भी हुआ करते थे। और अफसाना खान ने ये चीज़ शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि बड़े भैया मैं आपको काफ़ी मिस कर रही हूँ लेकिन आपका ये सॉन्ग डेफिनेटली हिट होगा, इस बात का मैं गारंटी देती हूँ और ये चीज़ आपके फैंस तक मैं खुद के जरिए से पहुँचा रही हूँ। ये देखने के बाद कहीं ना कहीं ये भाई बहन का एक जोड़ी भी सामने दिखाई दे रहा है और अफसाना खान जिस वे से सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग को प्रमोट कर रही है, ये देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और सिद्धू मूसेवाले के फैंस काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे थे लेकिन शायद ये आखिरी बार होगा जो कि सिद्धू मूसेवाले के फैंस हैं वो उनका आवाज़ सुन पाए, उनका न्यू आवाज़ सुन पाए, इनफैक्ट न्यू सॉन्ग जान पाए, फिर तो ये मौका कभी नहीं होगा। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।